नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में की विकास कार्यों के निर्माण और प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। और मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर राशि का भुगतान किसानों के खातों में एक क्लिक के माध्यम से किया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंदसौर जिले के दलौदा मंडी प्रांगण में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन और भावांतर भुगतान समारोह में जिले के 35,757 किसानों के लैपटॉप से एक क्लिक के माध्यम से 35 करोड़ 22 लाख रुपए की भावांतर राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि किसानों के लिए दलौदा में फूड पार्क बने। उन्होंने कहा कि चंबल के पानी का उपयोग मंदसौर नीमच जिले में सिंचाई के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन में विकास कार्यों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान प्रभावित सड़क पाइपलाइन के पुनः निर्माण कार्य भी साथ साथ होते रहे। नगरीय निकाय रिस्टोरेशन कार्य भी पूरी गंभीरता के साथ करें, कार्य में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो, कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, कार्यों की व्यक्तिगत स्तर पर कलेक्टर द्वारा समीक्षा की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अखिल भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनर अधिकारियों ने आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामना और मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक के एन तिवारी, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक अवस्थी और मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आदर्श कटियार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की सेवा नौकरी नहीं, मिशन है। समाज को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समाज सुरक्षित होगा तभी विकास की अन्य गतिविधियां तेज गति से संचालित होंगी। अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि पुलिस मैदान में दिखाई दे। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में आंचलिक बसई मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने किसानों को फसल बीमा की राशि प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बसई क्षेत्र में 1,33,68,000 रुपए की राशि किसानों को भावांतर योजना में दी गई है। जनसंपर्क मंत्री ने बसई में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना का भी शुभारंभ किया। और इधर प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय वेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता के साथ व्यवसाय करें तो ये अवश्य फलेगा और फूलेगा। प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने राजधानी भोपाल में स्ट्रीट वेंडर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।